हेलो एवरीवन, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और बोर्ड में कई बार आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आज हम सीखते हैं। ये अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन हमने किए उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें ये डिफरेंस है कि यस, इसमें भी वेरिएबल्स जो है हमारे एक्स और वाई वो डिनोमिनेटर में है, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड सीखे थे उसमें हमने देखा था, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब भी हमने ये क्वेश्चन सीखे थे तो वहां पे हमने देखा था कि एक टर्म के नीचे एक ही वेरिएबल होता था, दूसरी टर्म के नीचे दूसरा वेरिएबल होता था। जैसे पहली टर्म के नीचे एक्स वेरिएबल हो गया और दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में वाई वेरिएबल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों वेरिएबल सारी टर्म्स के डिनोमिनेटर में है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। पहले एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख के देखते हैं। पहले इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ 15 × 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 10 × 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -7। दूसरे इक्वेशन को 5 × 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 3 × 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जब आपने इनको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया उसके बाद देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दोनों इक्वेशन में, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ये भी दोनों इक्वेशन में है। तो इसको हम लोग कोई दूसरा वेरिएबल लेट कर लेते हैं, तो मैं इसको u और v लेट कर रही हूँ। लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने u लेट कर लिया एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को लेट कर लिया v। और जैसे आप इन दोनों को लेट करेंगे इसको आप इक्वेशन नंबर ए मार्क कर दीजिए। यू और वी की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पुट करेंगे तो एक्स और वाई की इक्वेशन बनेंगी और फिर आप उनको सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेंगे। तो जब मैंने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को यू लिख लिया तो ये हो जाएगा 15u प्लस 10 × 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को वी लिख लिया तो ये हो जाएगा 10v इज इक्वल टू -7। पुट करके देखते हैं ये हो जाएगा 15u प्लस 10v इज इक्वल टू -7। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 5u माइनस 3v इज इक्वल टू 4। जब आप u और v में दो इक्वेशन निकाल लेंगे तो इनको फर्स्ट और सेकंड मार्क कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखती हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड को से सॉल्व करने के लिए मुझे इन दोनों के कोफिशियंट इक्वल बनाने होंगे या ये दो कोफिशियंट इक्वल बना रहे होंगे। मैं 5 को 15 बनाऊंगी तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा और उसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। माइनस ही क्यों करेंगे, ऐड क्यों नहीं करेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है कि सेम साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया पहली इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगी आपकी 15u माइनस 9v इज इक्वल टू 12, क्योंकि पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। और पहली वाली इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी 15u प्लस 10v इज इक्वल टू -7, राइट। अब क्योंकि आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, इसका साइन नेगेटिव नेगेटिव और इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 15u माइनस 15u ये तो कैंसिल हो गए दोनों, यहाँ पे देखिए -9v और -10v ये दोनों एड अप हो जाएंगे -19v और 12 + 7 ये भी हो गया आपका 19। तो यहाँ से आ गया -19v इज इक्वल टू 19, v इज इक्वल टू 19 अपॉन -19 और ये हो गया -1। v की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। जैसे ही आपके पास v की वैल्यू आ जाए तो इसको किसी भी फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए और वहां से आपको u मिल जाएगा। मैं पुट कर रही हूँ उसको इक्वेशन नंबर 2 में, पुट वी इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में जैसे ही मैं इसको पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 5u माइनस 3v, माइनस 3 × v की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। v जहां पे था वहां पे आपने -1 रख दिया तो ये हो जाएगा 5u प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 5u इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा वहां जाके तो 4 − 3 = 1। तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से u आ जाएगा आपका 1/5, ये आ गई है u की वैल्यू।
यू और वी जैसे ही आपके मिल जाएंगे तो अब आप इनको पुट कर देंगे ए इक्वेशन में, और जब ए इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स और वाई निकलेगा। पुट करते हैं यू और वी को, पुट यू एंड वी इन इक्वेशन नंबर ए। अब ए इक्वेशन जो थी यहाँ पे थी आपकी वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू था, एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू की वैल्यू, यू की वैल्यू क्या आई है 1/5, तो इसको लिख देंगे आप 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिए। अब इस साइड सॉल्व करते हैं, वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी, वी कितना आया था आपका -1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और इसको मार्क कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास x और y की दो इक्वेशन मिल गई है, थर्ड और फोर्थ। इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए, और जैसे ही आप इनको सॉल्व करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, 3 और 4 में से किसी भी एक में, तो वहां से x आपका आ जाएगा 2। तो x और y की वैल्यू आपकी आ गई है 2 एंड 3। इस तरह के क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, पहले एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद उनको किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद जब आपकी यू और वी की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपको यहाँ पे पुट करना है, जो स्टार्टिंग में आपने लेट किया था वहां पे पुट करना है। एक्स और वाई की दो इक्वेशन बनेंगी, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए, चारों जो टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, चारों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को पहले जैसा ही मेथड करना है। करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले वाली इक्वेशन में तो देखिए 1/3x + y और 1/3x - y है, तो इससे ज्यादा हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो इसको मैं लिख लूंगी 1/2 × 1/3x + y माइनस 1/2 × 1/3x - y इज इक्वल टू 1/-1/8। इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे भी आ गया है आपका 1/3x + y 1/3x - y, और पहली इक्वेशन में ऑलरेडी है, तो आप इनको लेट कर दीजिए, कुछ और वेरिएबल पुट कर दीजिए इनकी जगह। लेट 1/3x + y को आपने u लेट कर दिया, एंड 1/3x - y को आपने v लेट कर दिया, और इतना करने के बाद आप इसको a इक्वेशन मार्क कर दीजिए, लास्ट में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जो इक्वेशन है वहां पे u और v को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1/3x + y, तो इसको तो मैं सीधे u लिख लूंगी, प्लस 1/3x - y, तो इसको मैं लिख लूंगी v इज इक्वल टू 3/4। इस 4 को यहां मल्टीप्लाई में लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4u + 4v इज इक्वल टू 3। अब आपकी आ गई ये पहली इक्वेशन। दूसरी वाली जो इक्वेशन थी वहां पे भी u और v पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2u - 1/2v इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए दोनों का, ये आ गया 2, तो यहाँ आ जाएगा u - v इज इक्वल टू -1/8, और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका u - v = -1/4 4 को इधर आके इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4u - 4v इज इक्वल टू -1। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो जैसे ही आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन निकाल लेंगे, इनको आप सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी 4u + 4v इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन आई है 4u - 4v इज इक्वल टू -1। तो देखिए, इसमें कोफिशियंट तो ऑलरेडी इक्वल है, सीधे एड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मुझे लग रहा है 4v और यहाँ पे 4v, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4u +
फोर बी इज इक्वल टू था आपके पास थ्री पहली इक्वेशन में, और यहाँ पे है फोर यू माइनस फोर बी इज इक्वल टू माइनस वन। जब आपने ऐड किया तो इस बार साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि साइन चेंज हम सिर्फ तब करते हैं जब सब्ट्रैक्ट करना होता है। साइन ऐड करने में यहाँ पे देखिए फोर बी और फोर बी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब फोर यू प्लस फोर यू ये हो जाएगा आपका एट यू इज इक्वल टू थ्री माइनस वन, ये हो जाएगा आपका टू। तो यू की वैल्यू क्या आ गई टू बाई एट दैट इज वन बाय फोर। तो यू आपका यहां से आ गया है वन बाय फोर, यू की वैल्यू आ गई। वी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में पुट करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ यू को, पुट यू इन इक्वेशन टू। टू इक्वेशन थी आपके पास फोर यू, यू की जगह वन बाय फोर रख दिया राइट, माइनस फोर वी इज इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ये फोर से फोर कैंसिल वन आ गया, वन माइनस फोर वी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस फोर वी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, माइनस फोर वी इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, वी इज इक्वल टू टू बाय फोर दैट इज वन बाय टू। तो वी की वैल्यू क्या आ गई आपकी वन बाय टू, ये आ गई है वी की वैल्यू। यू और वी आपने फाइंड आउट कर लिया, जब यू और वी मिल जाएगा तो जैसे आपने पहले किया था कि इसको ए इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन ए, पुट यू एंड वी इन इक्वेशन ए। ए इक्वेशन क्या थी आपकी, ए इक्वेशन थी आपकी वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई, थ्री एक्स प्लस वाई को आपने यू लिया था यू, और वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई को आपने वी लेट किया था। तो इनकी जगह पे आप यू और वी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यू की जगह क्या रख देंगे वन बाय फोर रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर थ्री राइट। और यहाँ पे भी पुट कर दीजिए v की वैल्यू वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या रख देंगे वन बाय टू, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, और इसको आप इक्वेशन फोर कह देंगे। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आप देखिए, x और y की टर्म में आपकी दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। मैं क्या कर रही हूँ इक्वेशन थ्री प्लस इक्वेशन फोर सॉल्व करने के लिए, y एलिमिनेट हो जाएगा तो जैसे ही आप ऐड करेंगे थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर एंड थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, जैसे ही ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, सिक्स एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका वन, सिक्स बाई सिक्स दैट इज वन। और y कैसे आ जाएगा पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो जैसे ही आप पुट करेंगे इसको, मान लिया पुट x इन इक्वेशन थ्री, थर्ड इक्वेशन में आपने पुट कर दिया, तो ये थी थ्री एक्स प्लस वाई, थ्री एक्स तो थ्री इंटू वन, एक्स की जगह वन रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू फोर, ये हो गया थ्री प्लस y इज इक्वल टू फोर, और यहां से y की वैल्यू आ गई फोर माइनस थ्री दैट इज वन। तो आपका x भी आ गया है वन और y भी आ गया आपका वन। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन है दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि सिंपली हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि दो सिंपल इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि आप खुद देखिए इन दोनों में, दोनों इक्वेशन में जो एक्स और वाई की कोफिशिएंट्स है वो बहुत बड़े नंबर्स हैं, और इतने बड़े नंबर्स को अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो इतने बड़े नंबर्स को सॉल्व करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। एग्जाम में हम लोग को सिर्फ सोल्यूशन निकालने ही नहीं होते बल्कि टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को करने का हम दूसरा तरीका देखेंगे, जो कि इन क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन जहां पे भी होंगे वहां पे हम लोग को यही मेथड अडॉप्ट करना होगा। क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा, क्या पहचान है ऐसे क्वेश्चंस की, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, यहाँ पे देखिए जो एक्स का कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट 217 वो दूसरी इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट है, और पहली इक्वेशन में जो y का कोफिशियंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशियंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप इन इक्वेशन को वन और टू मार्क कर दीजिए, पहले वन और टू मार्क कर दिया,
आप जब आप इनको मार्क कर देंगे तो पहली बार आप इन पे ऑपरेशन लगाएंगे, एक बार एडिशन, वहां से एक इक्वेशन निकलेगी, और एक बार सब्ट्रैक्शन, वहां से दूसरी इक्वेशन निकलेगी। और जब आप उन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो तब आपकी एक्स और वाई की वैल्यू इजीली निकल आएगी। तो एक बार क्या करते हैं, इक्वेशन वन को ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में, राइट। आप पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखेंगे क्या आएगी, ये पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को ऐड करके ये आ जाएगा, लिख लेते हैं पहले इक्वेशन, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 है, और दूसरी है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8, 4 और 3, 348x प्लस, इनको भी ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 8, 4, 3, 348y, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4, 1, 7, 4, 0, राइट। अब इस इक्वेशन में 348 कॉमन ले लेते हैं, जब आपने 348 कॉमन ले लिया तो यहां बच जाएगा x प्लस यहां बच जाएगा आपका y और इज इक्वल्स टू 1740। अब 348 डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1740 अपॉन 348, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी, जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देंगे। यहां से आपको एक सिंपल इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, राइट, जिसमें कोफिशियंट भी 1-1 है, जिसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार आपने एडिशन, ये पहली बार आपने ऑपरेशन लगाया एडिशन का, दूसरी बार में एडिशन नहीं करके आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन में से दूसरी बार क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, इस बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या है इक्वेशन वन, 217x प्लस 131y क्योंकि आप इस बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, पहले पॉजिटिव था, हम नेगेटिव, माइनस और माइनस, साइन चेंज हो गए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6, 10 माइनस 11 माइनस 3 आपका हो जाएगा 8, ये आ गया 86x, फिर यहां से आ जाएगा माइनस का 86y, और यहां से आपका आ जाएगा 6 और 8, राइट, 86 आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों, इस पूरी इक्वेशन में से 86 कॉमन ले लीजिए, आपका आ जाएगा, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस y इज इक्वल टू 86, तो x माइनस y इज इक्वल टू 86 बाय 86 1, तो x माइनस y इज इक्वल टू आ गया आपके 1, ये फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और x और y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, जैसे ही आपको कुछ कोई इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहां पे कोफिशियंट काफी बड़े हैं तो उसको सीधे सॉल्व मत करने लग जाइए, उसमें पहले चेक कीजिए कि क्या इनके कोफिशियंट इंटरचेंज तो नहीं है, और अगर इंटरचेंज है तो वो उन इक्वेशन को हम लोग सिंपल इक्वेशन में या छोटी इक्वेशन में इजीली बना सकते हैं। कैसे, एक बार एडिशन का ऑपरेशन लगा के और एक बार सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगा के, तो जब हम लोग को दो छोटी इक्वेशन मिल जाएंगी उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो टाइम कम लगेगा आपका इसमें और आप ज्यादा टाइम बचा पाएंगे, बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। जो भी क्वेश्चन हमने आज किए उस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।